और बहुत महंगा चश्मा तुम्हारे भाई ने ले रखा है भाई। पलके जो नहीं झपकाते रहा करे तो उससे नमी रहती है तो सही रहता है। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया ये सारी चीजें बताने के लिए। भाई सारे लोग आ चुके हैं शॉपिंग करने, तो भाई आ चुके हैं एटीएम में। तो चलिए भाई, इसी मशीन से आपका भाई कितना रुपए निकालेगा आपको कुछ पता नहीं होगा, लेकिन हाँ हम निकालने जा रहे हैं, फौरन रुपए निकलेगा तो आपको दिखाएंगे। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे। तुम्हारा भाई हमेशा की तरह लेट से उठा है भाई। चलिए भाई चाय पीते हैं, उसके बाद आपसे बताते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। आज का प्लान बहुत खतरनाक वाला है और अभी आपको धीरे ही धीरे पता चल जाएगा। बाकी आपका भाई चलिए पहले चाय पी लेता है, उसके बाद फिर मिलता है। A few moments later, भाई साहब देख सकते हैं आज तो पूरा नाश्ता लग चुका है, चाय भी आ चुकी है, नाश्ता भी पूरा आज लग चुका है। नहीं तो हमेशा पहले चाय आती थी फिर नाश्ता आता था, लेकिन आज सब कुछ आ चुका है इकट्ठा। ये है भिंडी की सब्जी, ये है दाल, इसमें है चावल, ये है सब्जी, ये है अचार और ये है प्लेट भाई, रोटी है, सब कुछ है। चलिए भाई ये शिरमाल भी आ गया। ना क्या चाहते हो? चलिए भाई फटाफट करते हुए नाश्ता करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो गाइस नाश्ता पानी करके आपका भाई बाहर आ चुका है और चल रहे हैं भाई बाइक को निकालने। और अम्मी की कल वाली शॉपिंग नहीं हो पाई थी, तो चलिए अम्मी को शॉपिंग करवा देते हैं, कल वाली पूरी कम्प्लीट करवा देते हैं, क्योंकि हम लोगों को कल कहीं चलना है। बाकी आपको पता चल जाएगा, ब्लॉग देखते रहिए फटाफट करते हुए। चलिए भाई बाइक को अपने निकाल लेते हैं, हमारी बाइक अकेले खड़ी हुई शांति से, तो चलिए निकालते हैं उसके बाद आपसे मिलते हैं। भाई तुम्हारा भाई कैसा लग रहा है बताना कमेंट करके जरूर। बाकी आपके भाई ने बाइक निकाल लिया है, अम्मी का और अरीबा का वेट कर रहा है। चलो देखते हैं अम्मी अरीबा कब आती हैं, जैसे ही आती हैं उसके बाद चलते हैं। बहुत महंगा चश्मा तुम्हारे भाई ने ले रखा है भाई, जम रहा है कि नहीं कमेंट जरूर करना। अच्छा है, मैं अंधा हूं। अम्मी आ चुकी है और अरीबा भी आ चुकी है भाई, सैंडल वगैरह भी रख रही है। तो चलिए चलते हैं मार्केट, इन लोगों को सामान दिलाते हैं उसके बाद चलते हैं। तो भाई तुम्हारा भाई फिर से निकल चुका है एक गंदे नाले के पास से, हमेशा निकलता हूँ क्या ही बताऊँ भाई। चलो भाई आराम आराम करते हुए चलते हैं, अम्मी और अनिमा को लेकर जैसा भी कुछ होता है आपको बताते हैं। ब्लॉग में बने रहना, और अभी तक आप ब्लॉग में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने भाई को सपोर्ट करिए। देखने के बाद पहले देख लो, सही लग रहा है ना, अब सब्सक्राइब कर लो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो भाई तुम्हारा भाई तो एक बात बताना ही भूल गया, आप देख रहे होगे मेरे फेस पे कितनी ज्यादा तगड़ी धूप लग रही है, बहुत ज्यादा तेज धूप है भाई। और आपका भाई आ चुका है घंटा घर के पास, ये देखो भाई शानदार नजारा। यहाँ पे पब्लिक कम हो जाती है सुबह और दोपहर में, लेकिन एक सेकंड शाम में पब्लिक बहुत ज्यादा आ जाती है, पता नहीं कहाँ से सब साले भाग आते हैं चिड़ियाघर से। चलो बाकी चलते हैं भाई नखास, नखास में अम्मी लोगों को शॉपिंग हो जाएगी। चलिए आज उम्मीद अम्मी करेंगे कि भाई शॉपिंग हो जाए, और चलो चलते हैं जैसा भी कुछ होता है आपको बताते हैं। ये रहा नींबू पार्क, अभी इसमें भी आना होगा तो बताऊंगा आपको, कमेंट जब आप कर दोगे ढेर सारा तब। और उसके बाद आप देख सकते हो क्या ही जबरदस्त ट्रैफिक हो रखा है, और यही है भाई नखास का रास्ता, इधर से चलना पड़ेगा हम लोगों को। और आराम आराम करते हुए हम चल रहे हैं, एक हाथ से शूटिंग और एक हाथ से ब्लॉगिंग करते हुए। सारी चीजें आपको दिखाना है, हम आपको अच्छा समझते हैं इसलिए आपको दिखाते हैं, आपको मानते हैं, डेली आपके लिए ब्लॉग निकालते हैं। बस आप लोग हमारे लिए इतना काम नहीं करते हो कि 40-50 लाइक कर दो, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। और अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब कर दो फटाफट करके, बाकी हमें यही ओवर ब्रिज के नीचे चलना है। चलिए भाई फौरन चलते हैं मार्केट, मार्केट में आपसे मिलते हैं। 2000 years later. तो भाई ये है अपना नखास, और आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी ज्यादा हॉर्नबाजी हो रही है और बहुत ज्यादा ट्रैफिक है भाई। तो चलो भाई यहाँ पे वीडियो बंद कर देते हैं, नहीं तो गिरगुरा जाएंगे, मुसीबत हो जाएगी। बाइक को यहाँ पे खड़ी कर दिया है, देख सकते हैं यहाँ पे कई सारी बाइकें लगी हुई हैं, कोई पार्किंग वगैरह नहीं है, यहाँ पे खड़ी कर दिया है अच्छी जगह देखकर। और अम्मी लोग सामने चल रही हैं भाई, देखते हैं क्या क्या यहाँ पे बिकता है। देख लो कपे वगैरह बिक रही हैं बेहतरीन, खिलौने वगैरह बिक रहे हैं बच्चों के यहाँ ना लाइएगा, नहीं बहुत ज्यादा शैतानी वगैरह करेंगे तो लेना पड़ जाएगा भाई। क्या है, हमें भी खूबसूरत लग रहा है, हमें भी देखने का मन कर रहा है, लेने का मन कर रहा है। अबे साले माफ करना, मैं जो तभी ये रहा भाई सोने वाला कंगन, देख सकते हैं आप खतरनाक वाला भाई। ये देखो तुम्हारे भाई की चैन पसंद आ रही है। 5 minutes later. भाई सारे लोग आ चुके हैं शॉपिंग करने, शॉप पे देख सकते हैं आप, अरीबा भी है, सारा सामान वगैरह भैया निकाल रहे हैं, फ्रॉक वगैरह दिखा रहे हैं। चलो देखते हैं, पसंद आती तो ले लेते हैं। ये ले भाई सिस्टम है सारा, भैया दिखा दिए और मिलाने गए चमकदार चूड़ियां। आइए ले जाइए नखास मार्केट में, ले लिया अरीबा ने। ये रही मेरी बाइक, और यहाँ पे चक्का जाम हो चुका है, इसको आराम से हम बाइक को निकाल लेते हैं। और अम्मा लोग भी अभी भी चूड़ी पसंद कर रही हैं, चूड़ी ले चुकी हैं फिर भी पसंद कर रही हैं। चलिए बाइक को निकालते हैं जाम से आराम से, उसके बाद घर पे आपको सारा सामान दिखाएंगे क्या क्या खरीदारी हुई है। तो भाई साहब जाम देख सकते हैं कितना खतरनाक लग चुका है, और अभी आपके भाई को यहाँ पे बाइक चलानी पड़ेगी और निकालना पड़ेगा, अम्मी को बैठाना पड़ेगा, अरीबा को भी बैठाना पड़ेगा बाइक। चलिए भाई फौरन चलते हैं, फिर घर पे मिलते हैं आपसे। तो भाई फाइनली आ चुके हैं घंटाघर के पास, बहुत सारा जाम क्रॉस करने के बाद आपका भाई आ चुका है भाई अपने रोड पे। चलिए भाई फौरन चलते हैं घर, बहुत ढेर सारी शॉपिंग हुई है, आपको सारी शॉपिंग घर पे दिखाएंगे, रिवील करेंगे। और ये रहे हम अरीबा अम्मा,
चलो फिर चलते हैं भाई घर। A few moments later. तो भाई तुम्हारा भाई घर आ चुका है खतरनाक। चलो चलते हैं अंदर। लाइट वाइट पूरी ऑफ ही है रहती है, क्या बताएं। माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। माँ गेट को बंद कर लेते हैं उसके बाद बताते हैं। वही घर के अंदर आ चुके हैं और बहुत ज्यादा पानी प्यास लगी है। जफर भाई लेकिन बैठे हैं, देखिए पिला विला रहे नहीं है। जाओ भैया लेकर आओ पानी वानी पिलाओ, उन्हें अम्मी पिलाओ, हमें पिलाओ, सभी लोगों को पिलाओ। बात तो सही है। लो भाई लो, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए भाई पानी वानी पीते हैं, उसके बाद रिवील करेंगे सारा सामान अब्बा के सामने और जफर के सामने। भाई ये रही फ्रॉक, देख सकते हैं आप खतरनाक। एक ये है और दूसरी अभी आपको फटाफट करके दिखा रहे हैं। तो भाई देख सकते हैं क्या ही खूबसूरत फ्रॉक लग रही है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कैसी लग रही है आपको। ये तो टट्टी है। तो भाई ये है अम्मी के हमारे चूड़ी, बाकी आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है ना। तो गाइस घर से अभी हम बाहर निकले हैं, बहुत ज्यादा सर में दर्द हो रही थी इसलिए लेट के सो गए थे। तो अभी घर से बाहर निकले हैं, तो चलिए भाई फटाफट करके, काम कई सारे हैं कराने हैं। अभी चश्मा सबसे पहले चलना है लेने शॉप पे, और दूसरी बात है अभी थोड़ा पैसा निकालना है। जैसा भी कुछ होता है ब्लॉग में बने रही है। तो गाइस हम और जफर भाई निकल चुके हैं, सबसे पहले चल रहे हैं भाई चश्मे की शॉप पे, नहीं तो बंद हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले जरूरी काम चश्मा ले लेते हैं। चलिए भाई चलते हैं, जैसा भी कुछ होता है आपको बताते हैं, शॉप पे आपसे मिलते हैं। 5 minutes later. फाइनली गाइस लोकेशन पे आ चुके हैं और ये रही भैया की दुकान। तो चलिए अंदर चलते हैं, पूछते हैं चश्मा बना कि नहीं बना, जैसा भी होता आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और खैरियत से हैं? जी जी देखा था, लेकिन हम लोग कहीं चले गए थे तो इसलिए नहीं आ पाए। और सब ठीक है, चश्मा बन गया ना? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। चलो भाई ये रहा चश्मा, ट्राई करते हैं जिया भाई इसको। इसकी खासियत देख सकते हैं, ये देखिए लाइट आर पार नहीं होगी, सबसे मेन बात तो ये है। बीच में ना बोल, रूप में कलर चेंज कर देगा ये। रूप में कलर चेंज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाकी आप बताइए कैसा लग रहा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके भाई के ऊपर अच्छा लग रहा है कि नहीं? और अब हम देख लेते हैं चश्मा कैसा लग रहा है। सही है ना? सही। चलिए भाई पैसे देते हैं, थोड़ा पैसे भी बाकी थे, पैसे दे देते हैं उसके बाद चलते हैं। तो भाई जफर भाई पेमेंट कर रहे हैं, कैशियर हमारे जफरी भाई हैं। और चलिए पैक हो चुका है चश्मा, तो इसको ले लेते हैं, पेमेंट करते हैं, उसके बाद चलते हैं फौरन घर। जो नहीं झपकाते रहा करें तो उससे नमी रहती है तो सही रहता है। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया ये सारी चीजें बताने के लिए। चलिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। चलिए भाई चलते हैं बाहर भाई बाइक के पास, और भी सारा काम है, बहुत ज्यादा काम है यार, इसलिए थोड़ा आ नहीं पाया जल्दी, नहीं तो भैया बोला था सुबह ही आने के लिए। चलो भाई जो भी थोड़ा मोड़ा काम है वो भी करवाते हैं, उसके बाद कल चलना है कहीं, हमें ब्लॉग में बने रहना, पता चल जाएगा। तो भाई आ चुके हैं सज्जाद बाग मार्केट में, और देख सकते हैं यहाँ की मार्केट कितनी शानदार लगती है भाई। बस यहाँ पे बहुत ज्यादा जाम वाम मिल जाता है, देख सकते हैं काफी ज्यादा, मतलब रोडों पे गाड़ियां खड़ी हो जाती है, फिर रिक्शे वगैरह जो चलते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। चलिए भाई चलते हैं एटीएम, वहाँ पे थोड़ा पैसे निकालने हैं, जैसा भी होता है आपको बताते हैं। तो भाई आ चुके हैं एटीएम में, तो चलिए भाई इसी मशीन से आपका भाई कितना रुपए निकालेगा आपको कुछ पता नहीं होगा, लेकिन हाँ हम निकालने जा रहे हैं फौरन, रुपए निकलेगा तो आपको दिखाएंगे। 500 रुपए वाला चाहे 2000 वाला जो भी निकलता है वो सारी चीजें आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो भाई देख सकते हैं नोटों की गिनती शुरू हो चुकी है, देखते हैं भाई कितनी नोट निकलती है। आपके भाई ने सही नोट डाली है भाई, 2 ही 4 डाली है, देखते हैं कितनी निकलती है। अरे भाई ये तो बहुत ढेर सारी निकल आई है यार, भाई ऐसे ढेर सारी निकल आई है, पता नहीं भाई बैंक हम लोग को दे रहा है। की तैयारी करो। तो भाई आपका भाई सज्जाद बाग मार्केट से नहीं, सज्जाद बाग से चल रहा है, ये मार्केट नहीं है, और इधर ही से चल रहे हैं क्योंकि इधर यार जाम वगैरह ज्यादा नहीं रहता है, और आपके भाई को शूटिंग करने में कोई तकलीफ नहीं होती है। थोड़ा घर पे भी काम है, जैसा जो होता है आपको बताते हैं। भाई साहब आ चुके हैं घर, और बाइक को अब अंदर खड़ी कर देते हैं जहाँ पे हम खड़ी करते हैं रोज के तरीके। तो चलिए बाइक को अंदर खड़ी करते हैं, उसके बाद चलते हैं घर। भाई बाइक को हमने यहाँ पे खड़ी कर दिया है, और अब चल रहे हैं भाई घर, देखते हैं घर वालों का रिएक्शन कैसा रहता है चश्मे को देखकर। तो चलिए भाई गेट को खोल लेते हैं आराम से, गेट खुल चुका है भाई, और गेट को भी आराम से बंद कर देते हैं, बंद हो गया भाई। मम्मी कैसा लग रहा है चश्मा मेरा? क्या बात है सर, क्या बात है सर, बड़े काबिल हैं। बाकी अम्मी ने पास कर दिया है भाई, अब्बा गए हैं बाल कटवाने, और अरीबा किसी से बात कर रही थी इसलिए अरीबा ने बताया नहीं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। सर में अभी भी थोड़ा दर्द हो रही है इसलिए शूटिंग नहीं कर पाया था, बाकी चलो थोड़ा से आराम फिर से कर लेते हैं। 5 hours later. तो भाई अब्बा को अब हम दिखाने वाले हैं अपना चश्मा, अब्बा कैसा लग रहा है? तो अब्बा ने भी भाई पास कर दिया, अच्छा लगा अब्बा को भी भाई। होए 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 होए। तो चलिए भाई 1, 2, 3, 4, 5, 6 पीस है, तो 6 लोगों के लिए है, एक ज्यादा एक्स्ट्रा है, हम लोग 5 लोग हैं। चलिए एंट्री करते हैं, आपको दिखाते हैं घर। लॉगेशन है, और ये है किचन, ये देखिए VIP किचन बना हुआ है, और इधर है टॉयलेट और बाथरूम, टाइल्स वाइल लगा है, और एक ये रूम है,
ये वाला भी आप देख लीजिए, पीओपी वगैरह हो रखी है भाई। कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। और एक इधर वाला रूम है, दो रूम है, सेम वही तरह पीओपी इसमें भी है ना। ओपन छत है, ओपन बाकी इधर खिड़की वगैरह है। अच्छा अच्छा, खिसकाने वाला है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, रहने दीजिए। ऊपर से तो देख ही लिया है, खुली छत है, आए थे ना वाला देखने, बगल वाला ऊपर वाला इधर देख लिया था। छः सौ स्क्वायर फीट में है, 500 कौन सा एरिया पड़ता है ये? हसन कॉलोनी, पर भी पीओपी हो रखी है भाई, देख सकते हैं, अच्छा लग रहा है। किचन तो आप लोगों के लिए सही है ना, किचन तो एक नंबर है। ये देखिए टाइल्स वगैरह लगा हुआ है, बेसिन भी डली हुई है, बस टंकी में पानी भरने की दे रही है, उसके बाद यूं करके यूं घुमाने पे नहीं, ये तो आ रहा है यार, हमने सोचा टंकी में पानी नहीं है। और इधर ये जंगला है, आप हवा भी ले सकते हैं अच्छे से। बाकी चलिए आगे चलते हैं, ये